So today we are going to talk about Lycopodium, the patient's mind, Lycopodium patient's mind. They are basically melancholic. Why? They are sad. Melancholic का मतलब क्या होता है? Sadness बहुत ज़्यादा है. Afraid to be alone. ये लोग बहुत डरते हैं अकेले रहने से. क्यों? क्योंकि इनको चाहिए कि कोई उनके बगल वाले रूम में रहे. Completely अकेला रहना बिल्कुल भी नहीं चाहते. ठीक है, पर क्योंकि डरते हैं अकेले रहने से, इनको छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा अनॉय करती है. दे कांट टेक स्मॉल थिंग्स. बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग टाइप के होते हैं. इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है. बेसिकली ये लोग इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं. दो दे आर द पीपल हु आर लाइक एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, ऐसे कुछ लोग होते हैं हु आर अ बिट कॉन्शियस टू टॉक इन द पब्लिक. But once they gain back their confidence, they again like, okay, they are okay. Okay, constant fear of breaking down under stress. इनको हमेशा इस बात का डर रहता है कि ये स्ट्रेस के दौरान टूट जाएंगे. मेमोरी बहुत कमजोर होती है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने थॉट से, सोचते रहते हैं ये करूं या वो करूं, ये ले लूं या वो ले लूं, ये खाऊं या वो खाऊं, यहां जाऊं या वहां जाऊं. दे आर वेरी कंफ्यूज. और ये लोगों की आदत होती है ना कि ये लोग शब्दों को बहुत ही गलत तरीके से लिखते हैं, जैसे कि दे आर स्पेलिंग इट या प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, और दे आर राइटिंग द रॉन्ग वर्ड्स. ठीक है, इनका जो ब्रेन पावर होता है ना बहुत कमजोर होता है. ऐसा चीज आपके फॉस्फोरस और ब्राइटा में भी होता है. ब्राइटा का आपका जो पेशेंट होता है बहुत ही बुद्धू किस्म का होता है, कहते हैं ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, चीजों को भूल जाता है, इडियोटिक टाइप का होता है. दुकान गया, पैसे ही लेना वापस भूल जाएगा, सामान जो लेना था वो भी भूल जाएगा, ऐसा होता है ब्राइटा का आपका पेशेंट. कैन नॉट बेयर टू सी एनीथिंग न्यू. लाइकोपोडियम का पेशेंट कुछ नया देखना नहीं पसंद करता, यहां तक कि वो भी नहीं पढ़ सकता जो उसने खुद से लिखा हो. ही कैन नॉट राइट, कैन नॉट रीड आउट दोज राइटिंग्स व्हिच ही हैज रिटन ऑन हिज ओन. सैडनेस इन मॉर्निंग ऑन अवेकनिंग, कुछ जोश नहीं, बहुत ज्यादा दुखी रहना. दे आर नॉट हैप्पी. बट मेलनकोली एंड अफ्रेड टू बी अलोन आर सम ऑफ इट्स की नोट्स. कैन नॉट रीड आउट वॉट दे हैव रिटन, स्पेल्स द रॉन्ग वर्ड्स or writes the wrong words. These are very important, very apprehensive. So these are the few mind symptoms of lycopodium. I hope you like it.